नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरती और मेरे चैनल बुक्स फॉर लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ किताबें, कहानियाँ और आर्ट से रिलेटेड वर्क। आज जो मैं आपके सामने लाई हूँ वो है एक छोटी सी स्टोरी। बहुत समय पहले एक खिलौने की दुकान के सामने एक छोटा सा बच्चा, जो कि काफी गरीब था, आके खड़ा हो गया और खिलौनों की तरफ देख रहा था। उतने में ही एक कार आके वहां पे रुकी। वो कार बहुत ही नई थी और बहुत ज्यादा चमचमा रही थी। जैसे ही वो कार आके वहां पे रुकी, वो जो बच्चा था उसका ध्यान अचानक से ही उस कार में चला गया और वो जिस खिलौने को देख रहा था उसके बारे में भूल गया और उस कार को टकटकी लगा के देखता रहा। कुछ देर बाद उस कार का जो मालिक था वो खिलौने की दुकान से खिलौना लेके वापस आ गया और कार में बैठने लगा तो उसने देखा कि वो बच्चा कार की तरफ बहुत ही ध्यान से टकटकी लगा के देखा जा रहा है। पता नहीं उसे क्या हुआ, उस आदमी ने उस बच्चे से कहा, क्या तुम मेरी कार में बैठना चाहते हो? बच्चे ने अनायास ही कह दिया, हाँ मैं आपकी कार में बैठना चाहता हूँ। कार के मालिक ने बच्चे को अपने साथ कार में बैठाया और उसे एक ड्राइव के लिए ले गया। जब वो लोग ड्राइव कर रहे थे तो उन दोनों में बातचीत शुरू हुई और बात करते करते जो उस कार का ओनर था उसने उस बच्चे से पूछा, तुम्हें ये कार बहुत पसंद है? बच्चे ने कहा, हाँ ये बहुत ही बड़ी है, बहुत ही चमचमा रही है और बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं सपना देखा करता हूँ। तो मालिक ने कहा, क्या तुम ऐसी कार लोगे? तो उस बच्चे ने उस मालिक से पूछा, क्या ये कार आपकी है? तो उसने सोचा और सोच के उसने कहा कि नहीं, ये कार मुझे मेरे बड़े भाई ने गिफ्ट की है, मुझे मेरे बर्थडे पे ये कार मुझे गिफ्ट मिली है, ये कार मैंने नहीं खरीदी, मेरे बड़े भाई ने दी है। मगर तुमने क्यों पूछा, तुम इस कार को लेना चाहते हो? तो कहता है, नहीं मैं आपके बड़े भाई की तरह बनना चाहता हूँ जो कि दूसरों को कार दे सकता है, क्योंकि मेरे भी दो छोटे भाई बहन हैं, मैं भी उनके जैसे बनूंगा और उन्हीं की तरह अपने भाई बहनों को कार गिफ्ट करूंगा। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी थी, पता नहीं आपको पसंद आई या नहीं आई, बट इसका एक जो हमें इससे जो सार मिलता है वो ये है कि हमें अपनी सोच को ऊंची रखनी चाहिए। हम जितना ऊंचा सोचेंगे हम भविष्य में उतनी ही तरक्की करेंगे। आप सबका धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियोस को देखा है, और हाँ अगर नहीं देखा है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे कहानियों के लिए वेट करते रहें। तब तक के लिए बाय।